हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारा और आपका चैनल आरजे टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे दस मूला रिस्ट के बारे में। दस मूला रिस्ट का फायदा क्या है, किन किन लोगों को ये दवा लेना चाहिए और कब लेना चाहिए, ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जानने के लिए आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों, जो लोग मेरा चैनल पर अभी नया है या चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, उसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना होता है। और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर दीजिएगा। उससे क्या होता है, हम जो कोई भी वीडियो यूट्यूब में पोस्ट करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप वहीं से वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं हम आज दस मूला रिस्ट के बारे में। दस मूला रिस्ट 100% आयुर्वेदिक है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और पॉपुलर मेडिसिन है, कहीं भी आपको ये दवा मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, दस मूला रिस्ट सिर्फ महिलाओं के लिए है। महिलाओं के लिए दस मूला रिस्ट एक बहुत अच्छा टॉनिक का काम करता है। तो चलिए अब जानते हैं दस मूला रिस्ट का फायदे के बारे में। दस मूला रिस्ट का बहुत सारा फायदा है, जैसे भूख बढ़ाता है, कमजोरी दूर करता है, हाथ पैरों में जलन ये सब भी दूर करता है और विटामिन प्रोटीन कैल्शियम की कमी पूरा करता है। इसे इस्तेमाल करने से लीवर का प्रॉब्लम भी दूर होता है। महिलाएं प्रेगनेंसी के बाद इसे इस्तेमाल करके अपना और शिशु का हेल्थ की रक्षा कर सकते हैं। तो इसलिए महिलाओं से मेरा एक सलाह है, जो वो प्रेगनेंसी के बाद जरूर दस मूला रिस्ट सेवन करें। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है जो दस मूला रिस्ट प्रेगनेंसी के बाद कितने दिन तक यूज़ करना होगा। प्रेगनेंसी के बाद दस मूला रिस्ट लगभग एक महीना या डेढ़ महीना तक जरूर खाइए। ज़्यादा खाएंगे तब भी कोई भी फर्क नहीं होगा और इससे रिजल्ट आएगा। लगभग आपको 15-20 दिन में, मतलब 10-15 दिन में रिजल्ट आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। इस दवा से बहुत इफेक्टिव है और बहुत रिजल्टफुल मेडिसिन है। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। और फ्रेंड्स, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। तो फिर मिलेंगे हमारा और एक अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।